to identify the foreign substances, ability to detect particles. आप लोगों ने बहुत से बच्चों ने एक वर्ड यूज किया है विच इज फॉरेन पार्टिकल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेन पार्टिकल ओवर हियर? Virus, worms, pathogens without harming tissues, ability to adapt perfectly. Bacteria, virus, pathogens, or parasites. Okay. Is these four words are bacteria, virus, or fungus or parasites are enough to make them foreign particles? Foreign means bacteria, virus. Okay. चलो बहुत अच्छी नॉलेज है, इतनी नॉलेज होना बहुत है तुम्हारे लिए. तो मतलब मेरी उम्मीद से तो कुछ ज्यादा ही निकली है. ठीक है, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, पैरासाइट्स. चलो देखो पहले एक जो दो वर्ड लिखे हैं ना, इनको समझने की मतलब समझने की कोशिश करते हैं. व्हाट इज इम्यूनिटी और व्हाट इज सिस्टम? ये वर्ड बने क्यों है, क्या इनका लॉजिक है आपके यहाँ पढ़ने का, ये समझते हैं. देखो जो ये इम्यून वर्ड है ना, ये आपकी बॉडी की एक रेजिस्टेंस कैपेसिटी है. रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस मतलब अपोज करना, अपोज करना. आपकी बॉडी क्या करती है सडन चेंजेस के लिए, या फिर जो आप जिन्हें फॉरेन पार्टिकल्स बोल रहे हैं, फॉरेन पार्टिकल्स हर वो चीज है जो आपकी बॉडी से बिलोंग नहीं करती है. देखो फॉरेन पार्टिकल्स है ना, सिर्फ आप सिर्फ पैथोजन को नहीं कह सकते. आपने जो चार वर्ड लिए ना, आपने ये वर्ड में मुझे बताए, बोर्ड दिखाई दे रहा है सबको, बैक्टीरिया, नेटवर्क इशू हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और दो मिनट वेट कर लो, ऐसा करो. नेटवर्क इशू हो सकता है बेटा, नेटवर्क वीक होगा ना तो ही ब्लर होता है, अदरवाइज ब्लर नहीं होगा. और भाई हिमांशी कैसी है? जब तक मैं ओरली समझा देता हूँ ब्लरनेस खत्म हो जाएगी. भाई आपने जो वर्ड यूज किया है दैट इज कि फॉरेन पार्टिकल्स के लिए फंगस, और ये वर्ड आपने जो दिए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो शो करते हैं चीज को, जो बताते हैं अपने को कि पार्टिकल फॉरेन है या नहीं है. और भी वर्ड ऐसे हो सकते हैं, ठीक है, और भी वर्ड ऐसे होते हैं जो ये बताते हैं कि पार्टिकल, वेबसाइट खराब है, वेबसाइट खराब नहीं है, नेटवर्क खराब है, वेबसाइट तो ठीक ही है. देखो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और जो ये पैथोजन, इन सबको मिला करके आप एक वर्ड बोल सकते हैं. ये तीनों चीज मिला करके, ये चार चीज जो आपने बताई, इन्हें आप बोल सकते हैं पैथोजन. याद रखना वर्ड पैथोजन, the organism which makes us ill called pathogen. ठीक है ना, फाइब्रिड है. ठीक है, तो देखो आपने जो ये वर्ड यूज किया ना, फंगस वगैरह ये सारी चीजें, ये सब फॉरेन पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स हैं. आवाज आ रही है सबको मेरी? वॉइस आ रही है? तो देखो ये सब क्या है, पैथोजेंस है. ऐसी ऑर्गेनिजम्स जो अपने को बीमार बनाते हैं वो क्या कहलाती है, पैथोजन कहलाती है. ऐसी ऑर्गेनिज्म जो आपको बीमार बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं, पैथोजन कहलाते हैं. तो ये तो वही काम की बात कि भाई पैथोजन क्या है. तो आपकी बॉडी रेजिस्ट करती है, यानी कि अपोज करती है किस चीज के लिए, पैथोजन के लिए, कि आपकी बॉडी के अंदर कोई पैथोजन ना आए. तो ये तो हो गया फॉरेन पार्टिकल. लेकिन देखो फॉरेन पार्टिकल जो वर्ड यूज किया गया ना, वो हर उस चीज के लिए किया जाता है जो आपकी बॉडी का नहीं है. भाई फॉरेनर वर्ड से तो निकला है जो ये वर्ड बता रहे हो आप, पैथोजन या सॉरी फॉरेन पार्टिकल, इसका मतलब फॉरेनर से निकला है. फॉरेनर कौन है, जो अपने देश का नहीं है. भाई अपने घर यहाँ पे कौन आते हैं,
विदेशी आते हैं घूमने, अपन तो अंग्रेजी बोलते हैं, चाहे किसी भी देश का आया हो, हल्का सा गोरा होना चाहिए, तो अपन क्या बोलते हैं, अंग्रेज आ गए, ठीक है। अपन जैसे मान लो मार्केट गए और अपने दो तीन टूरिस्ट मिल गए आउट आउट ऑफ इंडिया के, विदेश के कहीं के, ठीक है, हो सकता है वो ब्रिटेन के हो सकता है वो जर्मनी के हो सकता है वो ऑस्ट्रेलियन हो, लेकिन अपने लिए तो क्या है, कहाँ के हैं, अंग्रेज है, मतलब ब्रिटिश है अपने लिए, ठीक है ना। तो वैसे ही अपनी बॉडी क्या करती है, एक सिस्टम बना के रखी हुई है कि जो पार्टिकल आपका नहीं है वो उसे फॉरेन पार्टिकल बताते हैं, जो आपकी बॉडी का नहीं है सिस्टम, जो चीज आपकी बॉडी की नहीं है वो उनके लिए क्या है, फॉरेनर है, उनके लिए क्या है, फॉरेनर है। तो इसी वर्ड से ये वर्ड बना है, फॉरेनर यानी कि फॉरेन पार्टिकल्स। तो इम्यून सिस्टम है वो रेजिस्ट करता है किसी भी फॉरेन सब्सटेंस के लिए। हो सकता है आप जैसे अपन अपन ने सुना है ना, ये चीज तो आपने सुना होगा कि किसी ने किसी को किडनी दी और फेल हो गई, ठीक है, डोनर था, उसने उसको किडनी दी और फेल हो गई, क्यों हुई, क्योंकि उसने उसको फॉरेन पार्टिकल मान लिया, जबकि ना तो वो वायरस है, ना बैक्टीरिया है, ना फंगस है, ना किसी और तरह का पैथोजन है, लेकिन क्योंकि वो चीज उसकी बॉडी की नहीं थी इसीलिए उसने उसको क्या कर लिया, बाहर का मान के उसके लिए क्या बना दी, एंटीबॉडी बना दी और उसे डिसअप्रूवल कर दिया, उसे डिसअप्रूवल कर दिया, उसकी चली नहीं उस जगह। ऐसा ही यहाँ पे सिस्टम है अपने साथ में, ऐसा ही अपने साथ में सिस्टम है। हमारी बॉडी क्या करती है, पूरे दिन में, पूरे दिन 24 घंटे हजारों ऐसे पार्टिकल्स के कॉन्टेक्ट में आती है, हजारों ऐसे सब्सटेंसेस के कॉन्टेक्ट में आती है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे मैं पैथोजन वर्ड यूज कर रहा हूँ, मैं बैक्टीरिया वायरस एल्गी वगैरह जितनी भी आ रही है इन सब चीजों के लिए, ठीक है, अदर ऑर्गेनिजम्स के कॉन्टेक्ट में आते हैं जो हमारी बॉडी के नहीं होते, और क्योंकि वो हमारी बॉडी को क्या कर सकते हैं, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो हमारी बॉडी को क्या कर सकते हैं, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उनसे लगातार लड़ते रहना हमारी बॉडी का मेन प्राइमरी फंक्शन होता है, उनसे लगातार लड़ते रहना हमारी बॉडी का क्या होता है, मेन प्राइमरी फंक्शन होता है। हमारी बॉडी उससे क्या करती रहती है, लगातार फाइट करती रहती है, हमारी बॉडी उससे क्या करती रहती है, लगातार फाइट करती रहती है। यही काम है हमारी इम्यूनिटी का, जो ये लड़ाई की बात कर रहे हैं, ये फाइट की बात कर रहे हैं, वही क्या कहलाती है, हमारी इम्यूनिटी कहलाती है, यानी कि जो रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड है किसकी, हमारी बॉडी की, हर इंडिविजुअल की, टू फाइट विथ फॉरेन सब्सटेंसेस या डिजीज के जो पैथोजन है उनसे, इज कॉल्ड इम्यूनिटी। डेफिनेशन अगर बोली जाए तो लिख सकते हैं अपन, the resistance acquired by the body या individual to fight against with the pathogen of diseases or other foreign particles या toxic substances या other microorganism is called immunity। बताओ immunity की definition समझ में आई कि नहीं आई, immunity word समझ में आया कि नहीं आया, आपके body की लड़ने की ताकत इससे, toxic substances से, microorganisms से, foreign particles से या disease करने वाले pathogen से, क्या कहलाती है, इम्यूनिटी कहलाती है, आपकी बॉडी की सुरक्षा, आपकी बॉडी की सुरक्षा कवच, ठीक है। जैसे अपने इंडियन आर्मी अपना क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है, वैसे ही ये पार्टिकल्स या ये जो सिस्टम बना है आपकी बॉडी के अंदर, ये आपकी बॉडी की प्रोटेक्शन करता है। आ गया समझ में, चलो अब बात करते हैं इम्यूनोलॉजी। देखो इम्यूनियस वर्ड से बना है, ऐसी एक ऐसी वर्ल्ड की स्टडी करना, एक ऐसे सिस्टम की स्टडी करना जो आपकी बॉडी की प्रोटेक्शन करता है, ठीक है, यानी कि स्टडी ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी, इट्स अ ह्यूज साइंस ऑफ मॉडर्न एरा, आज के टाइम की सबसे साइंस की इम्यूनोलॉजी। देयर आर मिलियंस ऑफ रिसर्च गोइंग ऑन कंटिन्यूली ऑन द इम्यूनिटी सिस्टम, व्हाई द इंडियंस आर मोर इम्यूनेटेड, इंडियंस है वो ज्यादा इम्यूनेटेड कैसे हैं, लाइक कोरोना जैसी पैंडेमिक कंडीशंस में इंडियंस ने बहुत अच्छे से सरवाइव किया, देयर इज अ वेरी फ्यू नंबर ऑफ फेटल रेट, डेथ रेट यहां का बहुत कम रहा है कोरोना के अगेंस्ट में कंपेयर टू देन अदर कंट्रीज। तो इट्स अ मैटर ऑफ इम्यूनोलॉजी, क्योंकि ये इम्यूनिटी का सब्जेक्ट था कि इम्यूनिटी इंडियंस की स्ट्रॉन्ग है, तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा टॉपिक बन गया कि इंडियंस की इम्यूनिटी कितनी स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्यों ज्यादा है, या हम आप भी एक लॉजिक सेट कर सकते हैं, हम सुन सकते हैं या समझ सकते हैं इस चीज को, व्हाई वी आर मोर स्ट्रॉन्गर अकॉर्डिंग टू इम्यूनिटी कंपेयर टू देन अदर कंट्रीज। इट मे बी ड्यू टू फूड हैबिट्स, ड्यू टू आर कल्चर डिफरेंस, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ना शुभम, वेजिटेरियंस इंडियन में ज्यादा नहीं है, वेजिटेरियंस इंडिया में ज्यादा नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज है जहां पे बहुत सारे वेजिटेरियन लोग हैं, इंडियंस
बहुत ज्यादा नॉनवेज खाता है, इंडियंस बहुत ज्यादा नॉनवेज खा सकते हैं, खा रहे हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अदर कंट्रीज से डिफरेंट है। वेजिटेरियन होना एक इम्यूनिटी का वो नहीं है। हमारे यहाँ पे फूड हैबिट्स डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, ये अच्छा रीजन है, तेरे पायले दिया है। जैसे अपन राजस्थानी लोगों की बात करते हैं, हमारे यहाँ की फूड हैबिट्स बहुत डाइवर्सिटी फाइड है। लाइक हम अभी जैसे सर्दी है, बाजरा भी खा रहे हैं, मक्का भी खा रहे हैं और गेहूं भी खाते हैं। फिर हम ये चना वगैरह की बहुत सारी क्रॉप्स खाते हैं। हमारे यहाँ के जो फ्रूट्स हैं बहुत ज्यादा वो है, ठीक है। दही छाछ बहुत ज्यादा वो ली जाती है यूज में, ठीक है। अदर कंट्री वाले बटर से काम चला रहे हैं, अपन घी खाते हैं देसी, ठीक है। तो ये फूड हैबिट हो सकती है। हमारे कल्चर डिफरेंस भी हो सकता है कि हमारे यहाँ की जो रहने सहने की जो आदतें हैं ना, वो भी बहुत डिफरेंट है। दाल बाटी चूरमा इज वन ऑफ द मोस्ट रीजन ऑफ आवर इम्यूनिटी, ठीक है ना, कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग है। वी कैन इजीली डाइजेस्ट द फूड मेड बाय कंप्लीट घी, विच इज दाल बाटी, है ना। दाल के अंदर, बाटी के अंदर, चूरमे के अंदर, तीनों में घी डाल के आधा किलो खा जाता है। अदर कंट्री वाले पूरे 12 महीने खा लेते हैं कितने घी को, तो ब्रेड पे ऐसे लगा लगा कर। तो इट इज वन ऑफ देम, इट माइट बी वन ऑफ देम रीजन, ठीक है, हो सकता है। और भी हो सकता है, क्लाइमेटिक कंडीशन भी हो सकती है कि क्लाइमेटिक कंडीशन हमारे यहाँ की अलग है, ठीक है। अपन राजस्थानी है, अपन तो हर तरह का वेदर झेल लेते हैं। जैसे अपन सर्दी में बहुत ज्यादा सर्दी देख रहे हैं अभी, गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी, ठीक है। चलो तो इस चैप्टर पे वापस आते हैं। देखो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी की बात करते हैं। ये बोर्ड दिखाई दे रहा है सबको? हाँ, मच ऑफ यू लाइक रोटी और बाजरा? बाजरे की रोटी किस किस को पता पसंद है आप कैसे? शुभम का तो ब्लर ही रहेगा नेटवर्क ही, शुभम का तो। बाजरे की रोटी किस किस को पसंद है और किस किस ने इस सीजन में खाई नहीं है? शुभम को पसंद है, हिमांशी को है। अच्छा, कितने बच्चे ऐसे भी हैं जिसने बाजरे की रोटी आज तक ही नहीं खाई? निशा, निशा बनाएगा कौन, तू ही बनाएगी? कल ही खाई थी। पायल, गुड। मक्के की भी मोहित को अच्छी नहीं लगती क्या? मेथी पालक पराठा बाजरे की रोटी से, देख मेथी पालक पराठा पे चला गया ये आदमी, है ना, कहीं भी भेजा था, भावनाओं में भेज गया। फिर चलो ठीक है, पता है तुम्हें बाजरा है ना, बाजरा इम्यूनिटी बूस्टर है। कारण क्या, उसमें उसमें मेटेलिक सब्सटेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। सो गुड सोर्स ऑफ मिनरल, तो राजस्थानियों की तो इम्यूनिटी वैसे स्ट्रॉन्ग होनी। जब आप बाजरे जैसा मिलेट जो होता है ना, ये मिलेट जो अनाज होता है, मक्का है, बाजरा है, ये बहुत अच्छा इम्यूनिटी सोर्स होता है, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ देम। चलो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी की बात करते हैं। निशा बोर्ड पे अभी भी वो आ रहा है कि फोकस? टाइप ऑफ इम्यूनिटी, फर्स्ट नेचुरल, ऑल्सो नोन एज इनेट, एंड द सेकेंड वन, फर्स्ट वन इज
दिस सेकेंड वन इज एक्वायर्ड. ठीक है चलो. तो देखो दो तरह की इम्यूनिटी होती है. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड नेचुरल इम्यूनिटी, या इसे अपन बाय बर्थ बोल सकते हैं. देखो बाय बर्थ इम्यूनिटी जो आपको जन्म से मिलती है, ऑल्सो नोन एज इनेट. ये तीनों एक ही तरह की इम्यूनिटी है. नेचुरल बोल दो, इनेट बोल दो, या बाय बर्थ. बाय बर्थ तो अपन पढ़ेंगे इस हिसाब से निकाला है. बट सेकेंड है एक्वायर्ड, जो आपको आकर के अर्न करनी पड़ती है, कमानी पड़ती है, पैसा कमाना पड़ता है ना दुनिया में आकर के. वैसे अब पहले इस चीज को समझेंगे, बाद में तुम्हें वो टॉपिक अपने आप समझ जाएगा. नेचुरल क्या होती है? एक ऐसे तरीके का डेवलप्ड सिस्टम इन योर बॉडी जो आपको प्रोटेक्ट करता है अदर क्लाइमेटिक कंडीशन से लड़ने के लिए, ठीक है, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने के लिए. यह आपकी बॉडी नेचुरली लेके आई है, ठीक है, मतलब नेचर ने आपको जब आप पैदा हुए तब आपको गिफ्ट कर दी. नेचर ने आप जब आप पैदा हुए तो आपको ये चीज तो गिफ्ट करके दिए. इस तरीके की इम्यूनिटी का सिस्टम आपको बाय बर्थ मिला है. जब आप पैदा हुए थे तभी आपको ये मिल गया, ठीक है. कौन कौन सा है ये बात करेंगे, ठीक है. बस आपको वर्ड ये याद रखना है, नेचुरल इम्यूनिटी ही इनेट इम्यूनिटी कहलाती है. इट इज इट हेल्प्स इन फाइटिंग अगेंस्ट विद द पैथोजेंस, या इनबोर्न कह दो, इस चीज को बात हुई है, बाय बर्थ के दो, इनबोर्न भी कहा जा सकता है, पैदा हुए जब लेके पैदा हुए. तो इस तरीके की इम्यूनिटी आपको बाय बर्थ मिलेगी और प्रोटेक्ट करेगी इस चीज से, माइक्रोऑर्गेनिज्म से, पैथोजन से लड़ने में, ठीक है ना. तो चलो चालू करते हैं इसको, देखते हैं. जैसे पहला है, इसके भी अलग अलग टाइप है. तो ए है इसका फिजिकल बैरियर. बैरियर वर्ड किसके लिए यूज करते हैं भाई बताओ. देखे What is the meaning of barrier? Barrier word का मतलब क्या है? जल्दी जल्दी बताया, रिप्लाई बॉक्स लो आते हैं फटाफट जल्दी, उससे तुरंत क्रिया करो. हाँ तो इंडिया में बता दो. हाँ बाधा, पायल ने बाधा बताइए, सही है चलो, ठीक है. इनहिबिशन, हाँ ये भी सही है, ठीक है चलो. देखो बैरियर वर्ड इसी चीज के लिए यूज करते हैं. जैसे पुलिस वाले बनाते थे ना अक्सर, ट्रैफिक रोकने के लिए बीच में हर्डल्स लगा देते हैं, वही बैरियर है. आपकी बॉडी में बात करें इम्यूनिटी की, तो ऐसे कुछ फिजिकल बैरियर लगाए गए हैं जो पैथोजेंस को क्या कर सकते हैं, ट्रैप कर सकते हैं, रोक सकते हैं. उसी के लिए वर्ड बनाया फिजिकल बैरियर. फिजिकल बैरियर मतलब ऐसी एक हाइंड्रेंस पैदा करना, ऐसी एक रुकावट पैदा कर देना, ऐसी एक बाधा पैदा कर देना उन फॉरेन पार्टिकल्स के रास्ते में आने के एंट्री पे, ठीक है, या किसी तरह का ऐसा एक एटमॉस्फेयर देना उन्हें जो उसको आने से रोक ले, वो क्या कहलाते हैं, फिजिकल बैरियर में इंक्लूड होंगे. अ वे विच हेल्प्स टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी बाय मेकिंग हर्डल्स इन द पाथवे ऑफ फॉरेन पार्टिकल इज कॉल्ड फिजिकल बैरियर. इसके एग्जाम्पल बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन इसको समझना ऐसा ही है, ठीक है, कि आपके बॉडी के अंदर आने का कोई रास्ता उसी को बंद कर दो, ठीक है, तो वो फिजिकल बैरियर का काम करेगा. कोई फॉरेन पार्टिकल आना चाहता है, ठीक है, तो पुलिस वाले क्या करते हैं, जब कहीं चोरी होती है या फिर डकैती हो गई, मर्डर वर्डर हो गया, तो पुलिस क्या करती है, जो सड़क होती है उसको दो तरह से रोक के खड़ी हो जाती है, ताकि अगर सामने से कोई फास्ट गाड़ी आएगी ना तो उसे यूं सीन बनाने में क्या लगता है, टाइम लगता है, उसकी स्पीड अपने आप स्लो हो जाती है, इतने वो पकड़ देते हैं.
वो पकड़े ना पकड़े उनका विचार अच्छा था, पकड़ पाए ना पकड़ पाए वो बात अलग है, लेकिन उनका विचार अच्छा था, ठीक है ना। ऐसी आपकी बॉडी के अंदर है, जैसे पहली चीज है आपकी स्किन, फिजिकल बैरियर का फर्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं स्किन है, ठीक है। तो स्किन के बारे में तो आपको पता ही है, ठीक है। स्किन क्या है, आप में से कौन मुझे बताएगा, स्किन टिश्यू है, ऑर्गन है, या ग्रुप ऑफ सेल्स है, बताओ क्या है स्किन, है क्या चीज, ऑर्गन है, सेल्स से, या नंबर ऑफ टिश्यूज है। सोच समझ के आंसर दे, पायल का आंसर है ऑर्गन, और शुभम और मोहित का आंसर क्या है, ऑर्गन है मानसिक का, ठीक है गुड। सभी का आंसर ऑर्गन है तो ऑर्गन ही मान लेता हूं चलो मैं, ऑर्गन। अब देखो स्किन जो है ना वो दो लेयर से मिलकर बनी हुई है, बाहर तो होती है अपने पास में एपिडर्मिस और अंदर होती है हमारे पास में एंडोडर्मिस, ठीक है। अब अच्छे से समझना, देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, ये एक सिंगल लेयर है जो प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, प्रोटीन से मिलकर बनी होती है जो एंडोडर्मिस है, अंदर की जो स्ट्रक्चर्स है उसके अंदर बहुत सारी चीजें पाई जाती है, जैसे ब्लड की वेसल्स पाई जाती है, ठीक है, ब्लड वेसल्स पाई जाती है। सेकेंड इसके अंदर हेयर फोलिकल्स पाए जाते हैं, साथ में इसमें क्या पाई जाती है, ग्लैंड्स भी पाई जाती है, कौन कौन सी ग्लैंड्स पाई जाती है। अब ये करती क्या है, हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करती कैसे, ठीक है, हमारी बॉडी की, स्किन इज द लार्जेस्ट फंक्शनल ऑर्गन है, हाँ बिल्कुल सही है। अब ये हमारी बॉडी की हेल्प कैसे करती है, देखो प्रोटीन से मिलकर बनी हुई ये चीज हमारी हेल्प नहीं करती, तो कोई बाहर वाली स्किन के अंदर क्या होता है, एक पिगमेंट डिपॉजिट होता है, विच इज कॉल्ड केराटिन, ठीक है ना, मेलानिन और केराटिन, ये आपकी बॉडी की पिगमेंटेशन होते हैं, ये आपकी बॉडी को कलर देते हैं। इसके अलावा देखो स्किन के ऊपर क्या पाया जाता है, हमारी जो ये स्किन है ना इसके चारों तरफ क्या पाया जाता है, इसके अंदर ग्लैंड्स पाए जाते हैं बहुत सारे, ठीक है, जो लगातार डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिक्रेशंस करते हैं, जैसे स्वेट ग्लैंड है तो पसीना निकालेंगे, एक साथ वो ऑयल ग्लैंड होती है जो फैटी एसिड्स रिलीज करती है, उसमें है ना लैक्टिक एसिड पाया जाता है, सेबम बोलते हैं जिसको, सेबम कहते हैं, ठीक है, जिसके अंदर है ना अलग अलग कंटेंट्स होते हैं, वन ऑफ देम इज लैक्टिक एसिड, ठीक है, उनमें से एक क्या है हमारे पास में, लैक्टिक एसिड है। अब देखो एसिड है तो हमारी स्किन का पीएच बहुत लो करके रखता है, हमारी स्किन का पीएच क्या करके रखता है, लो करके रखता है, वो पीएच बना देता है कितना, 3 से लेकर के 5, विच इज हाईली एसिडिक नेचर, एसिडिक। तो आपकी जो स्किन है उसके अंदर एक ऐसा समझ लो एक प्रोटेक्टेड लेयर है जो बना के रख रखी है पीएच लगभग 3.5 से 3 से लेकर 5 के बीच में, मतलब बहुत हाईली एसिडिक कंडीशन हो गई, ऐसे पीएच पे किसी भी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन का सर्वाइवल इम्पॉसिबल सा काम है, ठीक है, ऐसे लेवल पे क्या हो जाता है, कोई भी पैथोजन इजीली सर्वाइव नहीं कर पाता, अगर इजीली सर्वाइव नहीं करेगा तो उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, सर्वाइव नहीं कर पाएगा तो क्या हो जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी। इसीलिए ये कहा गया है कि जो आपकी स्किन है वो आपकी बॉडी की क्या है, एक प्रोटेक्टेड लेयर है, प्रोटेक्शन की लेयर है। आगे समझो बताओ, चलो तो गुड। तो आपकी बॉडी क्या कर रही है, स्किन क्या कर रही है, एक पीएच लेवल की वजह से आपकी बॉडी आपको क्या कर रही है, एक प्रोटेक्शन का काम कर रही है। आपकी स्किन क्या करती है, एक प्रोटेक्टेड पाथवे बना देती है जिसमें से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर नहीं कर सकती। चलो सेकंड लेयर की बात करते हैं, ये तो ए हो गया हमारा स्किन, ठीक है ना, ये फर्स्ट रोमन में फर्स्ट स्किन, दूसरी है म्यूकस मेम्ब्रेन, ये वर्ड तो सुना हुआ भाई तुमने, म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन, सेकेंड वर्ड है मेरे पास में म्यूकस मेम्ब्रेन, ये भी आपकी बॉडी की क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है, ये आपकी बॉडी की क्या करता है,
प्रोटेक्शन का काम करता है। तो देखो म्यूकस मेम्ब्रेन बहुत सारी जगह पे पाई जाती है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था, रेस्पिरेशन पढ़ा था ना तुमने, याद आया? तो लेसल कैविटी के अंदर क्या पाई जाती है, ब्रेकिया के अंदर क्या पाई जाती है, म्यूकस की एक प्रोटेक्टेड लेयर पाई जाती है जो फॉरेन पार्टिकल्स को ट्रैप करने का काम करती है, वहीं चिपका लेती है। फॉरेन पार्टिकल्स को क्या कर लेती है, वहीं पे ही चिपका लेती है और आपकी बॉडी की क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है। आपकी बॉडी की क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है। जैसे ही कोई चीज फॉरेन पार्टिकल अपनी बॉडी के अंदर आया, उसे क्या कर लेगी, तुरंत ट्रैप कर लेगी और आपकी बॉडी को क्या करके रखती है, हील करके रखती है, ठीक है, एक तरीके से प्रोटेक्टेड रखती है। और ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, म्यूकस मेम्ब्रेन बनी किस चीज से, ये समझो, अंडर द स्किन जो इसकी जो डर्मिस की जो स्किन है, इसके अंदर जो लेयर है, वहां पे म्यूकस ग्लैंड्स पाई जाती है जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक डक्ट से स्पेसिफिक ऑर्गन्स पे इसकी ओपनिंग होती है। म्यूकस ग्लैंड क्या करती है, लगातार म्यूकस का सिक्रेशन करती है। म्यूकस है क्या चीज, बहुत कम अमाउंट में इसमें सॉल्ट पाया जाता है, मैक्सिमम अमाउंट में तो इसमें पानी होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, जैसे कोई ऑर्गन्स है, किसी भी ऑर्गन में, जैसे नेसल कैविटी की बात कर ले, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर ले, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात कर लो, ऐसी जगह पे पाई जाती है। जैसे ही इस पाथवे के ऊपर कोई भी पार्टिकल आएगा, बाहर का कोई भी पार्टिकल आएगा, उसे क्या कर लिया जाएगा, ट्रैप कर लिया जाएगा और उस पार्टिकल को ट्रैप करके उसे कैसे क्या कर देते हैं, अपने बॉडी से बाहर कर देते हैं। इसका एग्जांपल या इस चीज को समझने के लिए, इस एंजाइम को, इस चीज को समझने के लिए, ठीक है, आप दीपावली की सफाई है आप कर लीजिए, ठीक है, घर में दीपावली में सफाई वफाई करते हैं ना, तो नाक में कितनी मिट्टी निकलती है, ठीक है, तो उसमें क्या होते हैं भाई, जैसे मान लो आपने सफाई वफाई की तो मिट्टी उड़ेगी ना, आप देख नहीं पाते उस चीज को, विजिबली तो नहीं देख पाते, लेकिन आपके नेसल पाथवेज में क्या होती है, वो जाती रहती है लगातार, तो वहां पे म्यूकस लगातार सिक्रेट होता रहता है, उसे ट्रैप कर लेता है। अगर उसमें मान लो जरूरी नहीं है सिर्फ वो डस्ट पार्टिकल ही, उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकती है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए मैंने बताया इसमें वाटर होते हैं, सॉल्ट होते हैं, कुछ स्पेसिफिक सर्टेन एंजाइम लाइसोजाइम जैसा एंजाइम भी होता है, तो वो क्या कर लेते हैं, जैसे वो जर्म्स वगैरह या बैक्टीरिया या वायरस जैसे ही आपके नाक के अंदर आएगा या माउथ के अंदर से जाने की कोशिश करेगा, उसे उस जगह पे उसको क्या कर दिया जाएगा, ट्रैप करके मार दिया जाएगा। इस प्रोसेस को अपन ने बोला है कौन सी मेम्ब्रेन से प्रोटेक्शन करवाना, म्यूकस मेम्ब्रेन से। बताओ ये वर्ड, ये वाली चीज आई कि नहीं आई समझ में, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऐसी जगह पे पाया जाता है। आगे समझ में हटा दू उसको, तो दो हो गए हमारे पास में, फर्स्ट हो गया स्किन, सेकंड हो गया म्यूकस सिस्टम, एक और है हमारे पास में, दैट इज फॉर थर्ड वन, फिजिकल सिस्टम कह सकते हैं या फिजिकल फिजियोलॉजिकल बैरियर कह सकते हैं, उस चीज को फिजियोलॉजिकल बैरियर। देखो इसके अलावा भी है ना, बस इतने से ही काम नहीं चलता, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सीक्रेशन है हमारी बॉडी के ऊपर, जैसे अभी अभी मैंने एक बताया था कि स्किन के ऊपर क्या आता रहता है, पसीना आता रहता है, ठीक है, मैं लगातार हाथ पैरों पर क्या आता रहता है, पसीना आता रहता है। देखो ये जो जो स्वेटिंग है, ये जो पसीना है, ये भी आपकी बॉडी की क्या करता है, प्रोटेक्शन ही करने के काम में बना हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे एंजाइम है, जैसे स्लाइवरी एंजाइम है, स्टमक में निकलने वाला एचसीएल एंजाइम है, अपन ने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा है, तो वहां पे जो सेमाइनल वेसिकल्स से निकलने वाले सीक्रेशन है, चाहे वेजाइना में रहने वाला हमेशा एसिडिक एटमॉस्फेयर है, तो ये जो केमिकल सीक्रेशंस हैं, ये जितने भी केमिकल सीक्रेशंस हैं, ये सब आपकी बॉडी की प्रोटेक्शन करने के लिए बने हैं। ये सब क्या बने हैं, आपकी बॉडी की प्रोटेक्शन करने के लिए ही बने हुए हैं। ये सारे सिस्टम किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है। कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स से, इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, अलग अलग तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं। जैसे मदर ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, तो उस टाइम जो मिल्क सीक्रेट होता है, उसमें एक सर्टेन एंजाइम है, नाम है उसका लैक्टोपेरोक्सिडेज, ठीक है, वो क्या करता है, अगर कोई जर्म या बैक्टीरिया सरफेस पे है तो उसे क्या कर देता है, मार देता है।
जैसे स्लाइवरी एंजाइम पढ़ा, तो अपन ने पढ़ा था ना डाइजेशन में, तो स्लाइवर में क्या पाया जाता है, एमाइलेज पाया जाता है, लाइट एसिडिक होता है, हल्के फुल्के बैक्टीरिया को तो वहीं पे ही सल्टा देंगे, जो बिल्कुल भी एसिडिक एटमोस्फियर नहीं चल सकते। तो इस तरीके से अपन ने तीन सिस्टम पढ़ लिए हैं, पहला स्किन, दूसरा म्यूकस मेम्ब्रेन, तीसरा फिजियोलॉजिकल मेम्ब्रेन। तीनों के अंदर हमारी क्या होती है, प्रोटेक्शन हो रही है और ये फिजियोलॉजिकल बैरियर का काम करते हैं, फिजियोलॉजिकल बैरियर का काम करते हैं। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है तो पूछ लो, वरना आगे चले। चलो तो सेकंड देखते हैं, कंपोनेंट सिस्टम बोलते हैं इसे, बी बोल दो चाहे सेकंड बोल दो, बी बी लिख रहा हूं मैं, इसे बोलते हैं कंपोनेंट सिस्टम। या C3 बोलते हैं इसे, या कार्बन प्रोटेक्शन बोलते हैं। लोग अपनी बॉडी में लगभग 30 तरह की प्रोटीन्स ऐसी हैं जो आपकी बॉडी की प्रोटेक्शन करने काम करती है। ये एक ग्रुप है प्रोटीन्स का ऐसा जो आपकी बॉडी में एंटर होने वाले, क्या रिपीट करना है निशंक का, बता दोबारा से एक बार। अच्छा, फिजियोलॉजिकल बैरियर को एक बार दोबारा समझाना। देखो फिजियोलॉजिकल बैरियर है ना, एक ऐसा सिस्टम है जो आपकी बॉडी की प्रोटेक्शन करता है, जो आपकी बॉडी की प्रोटेक्शन करता है बाय वेरियस वेज, बहुत अलग अलग तरीके से आपकी बॉडी को क्या करता है, बचा के रखता है फॉरेन पार्टिकल से। कैसे बचाता है ये समझो। देखो जैसे अपन ने एक छोटा सा एग्जाम्पल है मेरे पास में कि अपन ने डाइजेशन पढ़ा था, तो स्लाइवरी एमाइलेज पढ़ा था, उसमें होता क्या है, जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल आएगा या कोई बैक्टीरिया आ गया, कोई वायरस आ गया, जो एसिडिक एटमोस्फेयर पे सरवाइव नहीं कर सकता है, जो एसिडिक एटमोस्फेयर पे सरवाइव नहीं कर सकता है, तो जैसे ही वो बैक्टीरिया या वायरस आएगा, अपनी बॉडी उसको क्या कर लेगी, माउथ के अंदर ही डाइजेस्ट कर देगी, क्योंकि स्लाइवा रहेगा हमेशा। ऐसे बहुत सारे बॉडी के अंदर हमारे क्या होते हैं, सिक्रेशन होते हैं, जैसे हमारे स्वेटिंग होती रहती है, अपन ने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था तो वेजाइना का देखा था एटमोस्फेयर एसिडिक रहता है, सेमिनल वेसिकल से निकलने वाले जो सीक्रेशन है वो है, स्टमक में हमारे HCl रिलीज होता रहता है हमेशा, बहुत ज्यादा एसिडिक एटमोस्फेयर हो जाता है। इसके अलावा मदर की जो फीडिंग होती है उसमें जो लैक्टोज पाया जाता है वो नेचर है। ऐसे बहुत सारे तरीके के हमारी बॉडी ने क्या बना रखे हैं, बैरियर्स क्रिएट कर रखे हैं, जो क्या करते हैं, हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करते हैं। किससे करते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स से, फॉरेन पार्टिकल्स से ये हमारी क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, लगातार हमारी बॉडी क्या करती रहती है, इनसे फाइट करती रहती है। ठीक है, अब तो आगे निशा समझ में। चलो ओके, देन आज की क्लास का तो टाइम फिर यही पूरा होगा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। ठीक है, थोड़ा पढ़ के आ रहा हूं, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, गुड बाय एंड मैरी क्रिसमस इन एडवांस। सेंटा से इस बार 2021 अच्छा मांग लेना, है ना, मेरे लिए, तुम्हारे लिए तो ठीक ही चल रहा है, मजे हो रहे हैं, तुम्हारे तो और क्या चाहिए जीवन में, है ना। ठीक है पायल, हाँ तो क्रिसमस ही है, हमने कब कहा दिवाली है।
हाँ शुभम, सबकी खुशकामनाएं मांग लेना, ठीक है? ओके, चलो, गुड बाय।